अब हम इसमें बेबी कर्व मेथड में एक नेक्स्ट केस लेते हैं जिसमें जो पावर्स हैं वो भी हो, फैक्टर्स के साथ साथ उनकी पावर्स भी रहे। जैसे यहां पे एक पावर है 3, अब या तो पावर हो सकती है इवन या हो सकती है ऑड। जब भी इवन पावर आएगी तो हमारा केस जो है एज इट इज सेम रहेगा, क्योंकि ना तो ये फैक्टर के एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी पे कोई इफेक्ट चेंज कर रहा है, ना ही 2 से कोई अगर छोटी हम वैल्यू लेते तो भी कोई ये फैक्टर हमारा बाकी की सिचुएशन में एड पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल रहा। तो यहां पे पहला काम तो हम वही करेंगे, x माइनस 1 को 0 पुट करने से x इज इक्वल टू 1, 2, 3 ये सारे हमारे पुट हो गए। राइट साइड हम प्लस से ही शुरू करेंगे, फिर देखेंगे 3 के जो फैक्टर है इसकी पावर में कैसी साइन है, ये इवन है या ऑड है। यहां पे ऑड होने की वजह से जो हमारा प्लस के बाद नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब 2 के ऊपर जो पावर है इवन, मतलब इवन वाले में जो इफेक्ट है वो सेम का सेम रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 1 वाले पे हमारा इफेक्ट जो है वो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये वेव कुछ ऐसी चलेगी, दिस दिस एंड दिस। तो इसमें ध्यान रखना है जहां पे आपका जो फैक्टर है पावर उसकी इवन है, इवन वाले पे हमारा कोई इफेक्ट चेंज नहीं होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव चलेगा, ये पॉजिटिव होता तो अगला भी फैक्टर जो हमारा रीजन है उसमें भी पॉजिटिव ही रहता।